सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया। सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है और इस पर अब बवाल क्यों मचा है, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हो गया है। दरअसल CAA संसद से पारित हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले CAA को देश में लागू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। गौरतलब है कि पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियाँ दी गयी है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है वे है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज टू 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप्पू है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों के जरिए से इस बात का इल्म हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज है क्या नहीं है इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें।